बता दूं, नारायण कोलकाता के लिए अपनी टीम के लिए बहुत योगदान देते हैं और ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दर्शक जानते हैं, कहीं ना कहीं आज हम इस मैच का निर्णय करने में कहीं ना कहीं उस प्रभाव से नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कल का मैच हमने देखा था एकदम से ही पूरा मैच बदल गया था, वो कहीं ना कहीं आज भी दर्शा सकता है इस मैच में, क्योंकि दोनों टीम में बड़े खिलाड़ी मौजूद है, तो आज भी मैच कहीं भी जा सकता है, तो आज निर्णय करना ये तय करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और आपको बता दूं, ये महंगा जो ये ओवर जो है कहीं ना कहीं महंगा साबित होता नजर आ रहा है, 3 गेंद में 2 चौके लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो खिलाड़ी हैं वो समझते हैं कि पावर प्ले खाली केवल 6 ओवर का है, तो कहीं ना कहीं अपने स्कोर बोर्ड को 50 रन के आसपास लेके जाना जरूरी होगा नितिन जी। ये ही कल जो मैच हुआ था उसमें भी यही बात थी कि नितिन, उन्होंने जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी उन्होंने पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करा था, लेकिन उसके बाद जो उनकी टीम का क्रम गिरता चला गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं वापस अगर बात करें इसी आज के मैच की, तो नितिन जो ये दो बल्लेबाज हैं इनकी कहीं ना कहीं दर्शकों की हमारी उम्मीद है, जो उनके फैंस हैं उनके क्रिकेट लवर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज ये बड़े शॉट्स दिखाएंगे और अपनी टीम को जीत की तरह ले जाते हुए। बिल्कुल, और आपको बता दूं इसी के साथ राजपूत का ये दूसरा ओवर है और पहले ओवर की 3 गेंद डाली है केवल उन्होंने और इन्होंने 18 रन दे रखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऋषभ ये महंगे साबित होते हैं, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद है 18 रन ये कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे हैं। और ऋषभ कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि जो उमकट है आने वाली राजस्थान की टीम में बहुत उम्दा खिलाड़ी है बॉलर है वो किस तरीके से प्रभाव डालते हैं इनके ऊपर अभी देखते हैं। और इसी के साथ तीसरे ओवर की 4th गेंद हो गई है, 5वीं गेंद डाली जाएगी चौथे ओवर की नितिन जी। बिल्कुल, तो देखना होगा 26 रन पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बने हुए, सामने नारायण और शुभम गिल मौजूद है और देखिए यहाँ पे दोबारा से नारायण ने शॉट हवा में उछाल दिया है लेकिन फिर से गेंद फील्डर के हाथ में पहुंच गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज देखना होगा दोनों टीम से कि किस तरीके से दोनों जो खिलाड़ी हैं अपना योगदान दे पाते हैं। आपको बता दूं आज के मैच में संजू सैमसन पे नजर रहेगी, स्टीव स्मिथ पे रहेगी, शुभम गिल पे रहेगी, दिनेश कार्तिक पे रहेगी, नारायण पे रहेगी, रॉबिन उथप्पा पे रहेगी, मतलब दोनों टीम में उम्दा खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ऋषभ। और देखिए यहाँ पे दोबारा से नारायण ने मारने का कोशिश कराया शॉट लेकिन दोबारा से बॉल जो है वो विकेट कीपर के हाथ में चली गई। अब देखना होगा जो स्टीव स्मिथ है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान जो है उन्होंने DRS लिया है, DRS का टाइम दिया गया है, अब देखना होगा क्या वो DRS लेते हैं नहीं। यहाँ पे DRS नहीं लिया गया है जो कि एक करीबी मामला हो सकता था, अगर DRS का रिस्क लेते स्टीव स्मिथ तो कहीं ना कहीं उनको एक रिजल्ट मिल सकता था क्योंकि ये काफी करीबी मामला था, गेंद जो है सीधे बल्ले को बहुत ही करीबी से गई थी, अगर यहाँ पे DRS लिया जाता तो कहीं ना कहीं करीबी मामला हो सकता। बिल्कुल, और आपको शुभम गिल की बात बता दूं अभी तक जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं 10 मैच खेल चुके हैं कोलकाता की तरफ से और उन्होंने 333 रन का अपना स्कोर बोर्ड खड़ा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 122 का है ऋषभ, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में वो अपना प्रदर्शन अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि पिछला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स हार चुकी थी तो वो अपने खोई हुई फॉर्म को खोई हुई टीम की योगदान को दोबारा से मैदान पर लेके आना चाहेंगे। और यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, वापस से उनाद काट जो गेंदबाज हैं वो आ चुके हैं, बता दें उनाद काट ने अभी तक 1 ओवर डाला है जिसमें कि उन्होंने 3 रन दिए हैं जो कि अपने आप में ही एक अच्छे गेंदबाजी का परख रखता है। और दूसरी ओर सामने मौजूद हैं गिल, शुभम गिल जो कि स्ट्राइक पर हैं, वहीं दूसरी ओर नारायण मौजूद हैं, अब देखना होगा क्या इस ओवर में शुभम गिल कोई बड़ा शॉट खेल पाते हैं, नारायण कोई बड़ा शॉट लगा पाते हैं, देखने वाली बात होगी। अपने आप में देखते रहिए, लगातार हम आपको अपडेट देंगे कि यहाँ से लगातार अपडेट देते रहेंगे क्या कि शुभम गिल ने कोई बड़ा शॉट मारा है या फिर नारायण ने कोई बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं या नहीं। ऋषभ, हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे आज कि आज कोलकाता पहली पारी खेल रही है जिस तरीके तो कम से भी कम स्कोर बोर्ड कितना होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जी हाँ बिल्कुल, और इधर ये चौथे ओवर की दूसरी गेंद डल ली है, देखते हैं क्या होता है, बहुत अच्छा शॉट खेला और सिंगल रन देकर नारायण को बैटिंग दे दी है जी। और ऋषभ आपको बता दूं कि 4 ओवर की दूसरी गेंद है और 26 रन है तो स्ट्राइक रेट जो है वो 6 का ही चल रहा है ऋषभ।
बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात होगी अपने आप में कि किस प्रकार से आज जो बल्लेबाज, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज है जो कि फिलहाल एक मैच जीती है और एक मैच हारी है, किस तरीके से वो अपने ग्राफ को ऊपर ले जाते हैं, अपने आप में देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ये एक दबाव का कारण भी हो सकता है इस टीम पर कि वो कहीं ना कहीं एक दबाव के अंडर खेले कि उनको अपने ग्राफ, टीम के ग्राफ को, टीम को ऊपर लेके जाना है, देखने वाली बात होगी इस मैच में। और देखिए यहाँ पे नारायण ने गेंद को हवा में उछाल दिया जो कि सीधे स्टैंड में जाके गिरी है गेंद, और यहाँ पे सीधे सिक्स लगा दिया है शुभम गिल नारायण ने, और सीधे 32 रन पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और इसी के साथ आईपीएल में 163 छक्के लगाए जा चुके हैं। ऋषभ, आपको बता दूं कि आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बिल्कुल जीतना चाहेगी और दबाव में भी होगी क्योंकि वो सातवें पायदान पे है, और अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स आज का मैच जीतती है तो वो चौथे पायदान पे आ जाएगी। कहीं ना कहीं सातवें पायदान से चौथे पायदान पे आने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को आज बहुत मेहनत करनी होगी। बिल्कुल नितिन, देखने वाली बात होगी कि आज किस प्रकार से टीम का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है। इसके साथ शानदार चौका खेल दिया गया है नारायण ने, जिस प्रकार से शुरुआत में इनकी फॉर्म स्लो रही थी उसी प्रकार से, उसी तेजी से ये अपने गेंद को और तेजी से ग्राउंड के बाहर धकेलते नजर आए। लेकिन ऋषभ, मैं आपसे मैंने डिस्कस किया जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि नारायण एक उम्दा खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, कि उनको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, दिनेश कार्तिक हो गए, अन्य खिलाड़ी हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं मैच का रुख बदल सकते हैं। शुरुआती उसमें दो चार रन ले लें, एक ओवर में कोई बड़ा स्टॉक खेल के अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक लेके जा सके। और इसी के साथ नारायण आउट हो गए हैं। ऋषभ जी, लाइव अपडेट आपको हम बता दें, यहाँ पे उनादकाट गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने सीधे पांचवे ओवर में नारायण को विकेट बोल्ड कर दिया है। नितिन जी, देखने वाली बात है, काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे नारायण और उनको आउट कर दिया गया। सिर्फ 14 गेंद खेल के गए हैं नारायण जो है, उनकट की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग करी और कहीं ना कहीं बल्ले से छूती हुई गेंद विकेट में लग गई, तो कहीं ना कहीं नारायण अब पवेलियन के बाहर जाते हैं। देखना यह होगा कि अब कोलकाता की तरफ से कौन से खिलाड़ी मैदान पे उतरते हैं। जी जी जी, नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, इसी के साथ आपको बता दूं, बॉलर से काफी खुश होंगे आज उनादकाट से, जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, जिन्होंने नारायण को आउट करा है। अपने आप में देखने वाली बात होगी कि अब क्या यहाँ से उनादकाट का जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर जाते हुए वो और ज्यादा विकेट चटकाते हैं कि नहीं, या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है। जी, कहीं ना कहीं आप ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से टीम खेल रही है, बहुत उम्दा खेल रही थी। लग रहा था कि नारायण कहीं ना कहीं जिस तरीके से शॉट खेल रहे थे उन्होंने इस ओवर में, जैसे दो एक सिक्स और एक फोर लगाए, तो लग रहा था कहीं ना कहीं वो अपनी पारी को, भुलावी पारी को फॉर्म में लेके आएंगे और टीम को जीत दिलवाएंगे और अच्छे स्कोर तक लेके जाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे। पर कहीं ना कहीं उमकट की सटीक बॉलिंग ने नारायण को पवेलियन के बाहर कर दिया। बता दे कि यहाँ पे जो अगले बल्लेबाज क्रम में आए हैं वो है नीतीश राणा। तीसरे स्थान पर नीतीश राणा यहाँ पे स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सामने जो उनके गेंदबाज होंगे वो देखना होगा क्या इनको दिक्कतों का सामना करा सकते हैं। यहाँ पे लगातार मौजूद उनादकाट यहाँ पे सामने गेंदबाजी के लिए मौजूद है, अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए आने वाले हैं और देखना होगा कि क्या इस गेंद पर ये कुछ कमाल दिखा पाते हैं, लगातार दूसरी विकेट ले पाते हैं कि नहीं, या फिर राणा शॉट को स्टैंड में खेलेंगे। और ऋषभ, आपको बता दूं कि 36 रन हो चुके हैं, एक विकेट भी जा चुका है कोलकाता का, और इसी के साथ पांचवा ओवर भी की समाप्ति हो गई है। राणा की पहली गेंद थी जिसको उन्होंने डॉट कर दिया है। ऋषभ, आपको बता दूं कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, गिल और राणा, इंडिया के खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही खिलाड़ी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं कोलकाता भी इस चीज को जानती है, कोलकाता नाइट राइडर्स की, दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। दोनों ही खिलाड़ी पिच पर समय दें और अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दे। ऋषभ नितिन, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा मैच ब्रेक है तो हम आप पूछना चाहेंगे कि आप हमको लगातार कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम क्या कुछ अच्छा परफॉर्म करके अपनी टीम को एक बड़े स्कोर पर खड़ा कर पाएगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम जल्दी से ही सब इस कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम को समेट कर वापस बल्लेबाजी के छोर पर आ जाएगी। जी, और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो टीम है उनका मनोबल ज्यादा बढ़ा हुआ, वो लगातार मैच जीत रही है, उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में और जो खिलाड़ी हैं सब उम्दा हैं। मतलब तेवतिया ने पिछले ही मैच में हमने जिस तरीके से देखा था, एक उम्दा हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवाया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से
पूरी टीम की जो उम्मीद है उनसे भी बहुत की जाएगी। और इस समय राजस्थान की भी टीम जो है बहुत अच्छी लय में है, तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है देखने लायक होगा कि किस तरीके से आगे की ओर जाता है ऋषभ। और देखिए यहाँ पे छठे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए आ गए हैं गेंदबाज और सामने मौजूद हैं नीतीश राणा। अब देखना होगा, देखिए यहाँ पे एम्पायर ने इशारा कर दिया है कि ये गेंद वाइड है, तो ये गेंद गेंदबाज को फिर से डालनी होगी। जी देखते हैं अब इस गेंद पर गेंदबाज का कमाल कर पाते हैं यहाँ पे इस शॉट को, क्या नीतीश राणा जो गेंद दोबारा डाली जाएगी इस गेंद पर कोई बड़ा शॉट खेलेंगे या फिर सिंगल के साथ ही इनको काम चलाना पड़ेगा। और इसी के साथ गिल के 16 ओवर में 19 रन हो गए हैं ऋषभ, तो कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ी हैं, थोड़ा समय देंगे और हमें देखना होगा कि अब यहाँ से ये किस तरीके से दोनों खिलाड़ी खेलते हैं। और अब यहाँ से अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी टीम के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि शुरुआती है 6 ओवर के बाद पावर प्ले खत्म हो जाएंगे और पहले ही पावर प्ले में कहीं ना कहीं कोलकाता ने पावर प्ले का आखिरी ओवर है जो कि कुरन डाल रहे हैं। और देखने वाली बात हो क्या कुरन अच्छी लय में चल रहे हैं लेकिन इस मैच में क्या कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि यहाँ पे इनका एक पहला ओवर है, पहले ओवर की पहली गेंद इन्होंने वाइड डाली है जो कि अब इनको फिर से डालनी पड़ रही है। और अब देखते हैं कि क्या नीतीश राणा इस पे कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर इनको दोबारा से सिंगल से काम चलाना पड़ेगा। अभी बता दें कि नीतीश राणा जो है इन्होंने एक गेंद खेली है और अभी शून्य पर बने हुए हैं, वहीं शुभम गिल ने 16 गेंदें खेली हैं जिनमें कि वो 19 रन बना चुके हैं। जी और पिछली बार जिस तरीके से राजस्थान ने 224 रन का लक्ष्य का पीछा किया और वो मैच को जीते भी, और इसी के साथ आईपीएल में एक अहम जीत जिसे कहते हैं और मानी जाने वाली जीत कहते हैं, इतिहास में इनका नाम लिखा गया है कि 224 रन का पीछा करते हुए केवल राजस्थान रॉयल ही वहां तक पहुंच चुकी है ऋषभ। और इसी के साथ आपको बता दूं नीतीश राणा के बारे में 49 मैच खेल चुके हैं और रन उन्होंने 1135 रन बनाए, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही उम्दा है। जी नितिन, अब देखने वाली बात होगी कि आज राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज कमाल कर सकते हैं या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज जो कि फिलहाल पिच पे बने हुए हैं, या फिर ये कुछ कमाल करके दिखाएंगे जो कि इनकी टीम को जीत की ओर ले जाएगा, देखने वाली बात होगी। लगातार आपको बता रहे हैं यहाँ पे छठे ओवर की दूसरी गेंद आने वाली है, अब देखते हैं कि इस गेंद पर क्या होगा। जी छठे ओवर की तीसरी गेंद आएगी, हम उनकन की बात करें जिस तरीके से बॉलिंग डाल रहे हैं, मतलब विकेट टू विकेट बॉलिंग डाल लेते हो पिछले मैच में, पिछले ओवर हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया नारायण का, बहुत बड़ा विकेट लिया है ऋषभ। और जिस तरीके से नारायण शॉट खेल लेते तो लग रहा था कहीं ना कहीं वो बड़े शॉट खेलेंगे, क्योंकि पावर प्ले कुछ देर बाद ही पावर प्ले खत्म होने वाला था। जिस तरीके से उनकन ने विकेट टू विकेट बॉलिंग करी और एक अहम विकेट अपनी टीम के लिए लिया, बिल्कुल नितिन ये देखने वाली बात होगी क्या गेंदबाज उदार काट जो है ये आगे कुछ कमाल दिखा पाते हैं या फिर एक विकेट लेके ही हम अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सामने कुरन बॉलिंग डालते आते हुए और यहाँ पे छठे ओवर की चौथी गेंद डालते हुए और यहाँ पे देखिए फिर से ये रन नहीं ले पाए हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। नितिन यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है स्टीव स्मिथ, इन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग सेट करी हुई है, हर प्लेयर के मुताबिक इन्होंने अपनी फील्डिंग सेट करी हुई है, वो भलीभांति जानते हैं कि नीतीश राणा कैसे शॉट खेलने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर जो शुभम गिल मौजूद हैं, दोनों ही भारतीय टीम के उभरते सितारे हैं, देखना होगा कि क्या ये कुछ कमाल दिखा पाते हैं या फिर इनको कम स्कोर पर ही वापस अपनी टीम के पास जाना पड़ेगा। जी ऋषभ, अगले हम मैच की बात करें जिस तरीके से कोलकाता के पास में खिलाड़ी की कोई कमी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से खिलाड़ी खेल रहे हैं शुरुआती ओवर में वो अच्छा खेले तो आगे के जो खिलाड़ी यहां पे दोबारा शुभम गिल ने चौका मार दिया, नीतीश राणा ने चौका मार दिया है, सीधे बाउंड्री के पार जाके गिरा है ये जो बॉल है सीधे बाउंड्री के पार, और यहाँ पे काफी खूबसूरत शॉट खेला है नीतीश राणा ने, ये काबिले तारीफ है। नितिन इनकी परफॉर्मेंस की बात करें नीतीश राणा की तो पिछले मैच में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही नितिन इनकी, बात करें तो नीतीश राणा की तो नीतीश राणा शुभम गिल जो दोनों बल्लेबाज हैं इनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी काफी अच्छी देखने को मिली है, तो आज देखते हैं कि क्या ये कुछ कमाल कर पाते हैं गेंदबाजों के खिलाफ। राजस्थान रॉयल्स के जो दिग्गज गेंदबाज हैं आर्चर हैं और उदार काट है करण है, ये देखने वाली बात होगी इनके सामने क्या ये टिक पाते हैं या फिर गेंदबाज जो है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते दिखेंगे। जी और इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति हो चुकी है कोलकाता की 42 रन पर 1 विकेट और गिल 16 बॉल पे 19 रन पे हैं और राणा 6 बॉल पर 4 रन पे हैं। ऋषभ आपको बता दूं जो आने वाले खिलाड़ी हैं पिंट किम्स हैं जो कि पिछले मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए एक अहम गेम को खेला था, और कमलेश ने और आंध्र रफेल ने
अपनी टीम के लिए उस तरीके से योगदान तो नहीं दिया था, पर कहीं ना कहीं संतुलन, जो संतुलन था टीम का जिस तरीके से वो खेल लेते, टीम कहीं ना कहीं उनसे संतुष्ट होगी और इस मैच में वो आएंगे, बड़े शॉट खेलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये देखने वाली बात होगी आज जिस तरीके से मैच का पड़ाव बढ़ता जा रहा है, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 42 रन पावर प्ले खत्म हो चुका है, 42 रन और एक विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स बनी हुई है। तो देखने वाली बात होगी क्या पावर प्ले के बाद अब जब पूरे टीम, पूरे मैदान में टीम मौजूद होगी, क्या उस तरीके से बड़े शॉट लगा पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर गेंदबाज जो है उनको कहीं ना कहीं निराश करते दिखेंगे। देखने वाली बात होगी, देखिए यहाँ पे 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, अब देखना होगा कौन गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आएगा। और सामने नीतीश राणा और शुभम गिल लगातार स्ट्राइक पे मौजूद। और ऋषभ, इसी के साथ आपने दर्शकों को बता दूं कि पहला पावर प्ले जा था, पावर प्ले था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और केकेआर 42 रन पर एक विकेट है। मतलब कहीं ना कहीं पावर प्ले पे जिस तरीके से हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो संतुलन है, कहीं ना कहीं राजस्थान भी खुश होगी क्योंकि उन्होंने एक बड़ा विकेट, बिल्कुल शुरुआत करी है राजस्थान, दोनों टीम की अच्छी शुरुआत, बिल्कुल दोनों टीम की एक अच्छी शुरुआत है। उधर राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट चटका दिया है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स पावर प्ले खत्म होने तक 42 रन तक स्कोर पहुंचा दिया। तो देखने वाली बात है कि अब यहां से मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स किस ओर ले जाते हैं, क्योंकि फिलहाल बैटिंग उनके हाथ में है। और अब स्पिनर को लगा दिया गया राजस्थान की तरफ से, पहला बॉल बहुत अच्छी तरीके से खेला और सिंगल के साथ जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो स्टीव स्मिथ है वो फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर को ला रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक रणनीति तैयार करी है बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए, ताकि वो एक बड़ा स्कोर क्रिएट ना कर पाए। इसकी वजह से उन्होंने अब तेज गेंदबाज और स्पिनर को लाइन में ला दिया है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्पिनर को लाया है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को परेशान किया करने के लिए लाया गया होगा ऋषभ, कहीं ना कहीं विकेट की तलाश में है राजस्थान, क्योंकि उनको पता है कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं, रसेल हैं, कार्तिक हैं, मावी हैं, तो कहीं ना कहीं वो युवा खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी भी हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं वो टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं राजस्थान के लिए। और यहाँ पे आप दर्शकों को बता दें कि यहाँ पे 7वें ओवर की 3री गेंद अब डाली जाएगी, फिलहाल गेंदबाजी पे गोपाल मौजूद हैं, वो लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। बता दें कि अभी तक उनका पहला ओवर है और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए हैं। जी ऋषभ, और इसी के साथ कि क्या गोपाल कुछ अच्छी गेंदबाजी या कुछ कमाल दिखा पाते हैं अपने इस ओवर में, या फिर वो बस बल्लेबाजों को रोकते हुए नजर आएंगे, या फिर कोई विकेट चटकाते हैं, देखने वाली बात होगी। आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप लगातार मौजूद रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमको लगातार, हम आपको लगातार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से अपडेट देते रहेंगे, जहाँ पर कि आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का 13वां-12वां मुकाबला खेला जा रहा है। और इसे मैं बता दूं, जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो दिनेश कार्तिक हैं, मॉर्गन हैं, आनंद रसेल हैं, पेंट हैं, शिवम मावी हैं, कुलदीप यादव हैं, मतलब अनेकों भी खिलाड़ी हैं, कुलदीप यादव भी हल्की फुल्की बैटिंग कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोलकाता के पास जो बैटिंग है जानने पर वो बहुत आगे तक है, आगे तक खिलाड़ी जो है खेल सकते हैं ऋषभ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नितिन आपने बात काफ़ी सही बोली है कि यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी हैं ये बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन नितिन बात वही है कि जो स्टार्टिंग का क्रम है, यहाँ पे शुभम गिल है, नारायण जो कि आउट हो गए हैं, वहीं नीतीश राणा है, इनको कहीं ना कहीं टीम को अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी ताकि एक टीम अच्छे स्कोर पर जाके खड़े हो सके। नितिन बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि कोलकाता भी चाहेगी जो पिछला मैच उन्होंने हारा है ये मैच जीतें और इसी के साथ वो चौथे पायदान पे आ जाएं, क्योंकि कोलकाता यहाँ से हारती है तो कहीं ना कहीं वो 7वें पायदान से 8वें पायदान पे भी आ सकती है, बिल्कुल, जो कि टीम कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। टीम के पास एक अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, युवा खिलाड़ी भी हैं और जो बाहर के खिलाड़ी हैं वो भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोलकाता की जो टीम की हम बात करें ऋषभ, तो कहीं ना कहीं इनका संतुलन, जो खिलाड़ी हैं बहुत ही अच्छे हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं आज कोलकाता चाहेगी कि आज का मैच जीत के वो तीसरे पायदान पर जाए, चौथे पायदान पर जाए। बिल्कुल, इतनी देखने वाली बात होगी कि आज कौन टीम खेलती है। और देखिए यहाँ पे गिल ने एक बार फिर से शॉट खेल दिया है और सीधे बाउंड्री की तरफ, यहाँ पे दोबारा से चौका जड़ दिया है शुभम गिल ने, और इसके साथ ही स्कोर जो है वो 52 पे 1 विकेट के नुकसान के साथ और यहाँ पे 7वें ओवर की समाप्ति के साथ। जी, और आपको बता दूं 7वें ओवर का जिस तरीके से अभी मैच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो स्कोर प्रोजेक्ट है वो 150 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक, अगर मैं आपको अपना प्रेडिक्शन बताऊं, तो मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं जो मैच है वो 200 पार कर सकता है। आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, इस चीज को हटा के हम देखें, नारायण जो कि आउट हो चुके हैं, अभी मॉर्गन मौजूद हैं टीम के कप्तान, कार्तिक मौजूद हैं,
आंद्रे रसल जो कि ऑलराउंडर हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो टीम है वो स्कोर को 200 करीब लेके जाएगी आज, ये तय है। और बाकी तो हमारे जो दर्शक है वो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको क्या लगता है आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बड़े पायदान पर अपनी टीम को ले जा पाएगी, एक बड़े स्कोर खड़ा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऋषभ, जो कहीं ना कहीं आप आंद्रे रसल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं वो अंतिम ओवर के लिए ही जाने जाते हैं, वो 15 ओवर के बाद भी आते हैं, 17 ओवर के बाद भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2-3 ओवर भी खेलते हैं, तो उनको बॉलिंग सटीक उनके पास आई और उनके बल्ले पे आई तो सारी की सारी बॉलों को, आपको बता दूं ऋषभ, वो गेंद को पवेलियन के बाहर ही भेज देते हैं। वो ऐसे एक उम्दा खिलाड़ी हैं कोलकाता के। बिल्कुल नितिन, ये देखिए यहाँ पे रियान बॉलिंग करने के लिए आया और सामने नितीश राणा है और उन्होंने शॉट हवा में खेल दिया और देखना होगा सीधे बॉल स्टैंड में जाके गिरी है नितिन, एक और छक्का नितीश राणा ने जड़ दिया है जो कि सीधे स्टैंड में जाके गिरा है। अपने देखने वाली बात है कि ये जो खिलाड़ी है ये आगे चल के बड़ी इसी मैच में एक बड़ी पारी खेल सकता है नितिन। और कहीं ना कहीं रियान का एक बहुत अच्छे से उनका शुरुआत करिए, उनके उन्होंने भी बॉलिंग डाली जिस तरीके से, पहली बॉल पर राणा ने सिक्स मारकर उनका स्वागत किया है ऋषभ, और दूसरी बॉल जैसे किस तरीके से दूसरी बॉल की आज किस तरीके से गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो किस तरीके से परफॉर्मेंस हो, और देखिए यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए मैच गेंद को रोक दिया बाउंड्री से टच होने के साथ, लेकिन वहीं पे शुभम गिल और नारायण ने एक रन चुरा लिया है जिसके साथ कहीं ना कहीं 61 रन पे एक विकेट के नुकसान के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स बनी हुई है। जी रियान का जिस तरीके से पहला ओवर था दो गेंद में उन्होंने 9 रन दे दिए ऋषभ, पहली गेंद में 6 और दूसरी ही गेंद पर 3 रन चुराए हैं नारायण ने। जी बिल्कुल, अब बल्लेबाजी जो है गिल करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं 19 बॉल पे 26 रन पे गिल खेल रहे हैं और राणा जो है 11 बॉल पे 16 रन पे।